ओंकारेश्वर में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें, काफी समय से पुलिस की नाक के नीचे देह व्यापार चल रहा था। भाजपा महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए कार्रवाई की है। थाना प्रभारी शिवराम जमरा और नर्मदा नगर थाना प्रभारी ने संयुक्त कार्रवाई कर संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपियों का मेडिकल कराते हुए आगे की कार्रवाई भी कर रही है। मोरटक्का क्षेत्र के रहवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस का संरक्षण में जगह जगह देह व्यापार चल रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती। बबलू वराशी को किडनैप करवा दूंगी और उसके बच्चों को उठवा लूंगी। बार बार धमकियां दिया करती है और उनको देख देख के कहीं भी आने ताने मारा करती है। बोलती तू क्या देख रही, मैं तो धंधा करती हूँ और करती रहूंगी। और थाने को और चौकी पे दी, चौकी पे भी ऐसा उसने खुलेआम धमकी दी है। सरपंच सचिव पे भी कार्रवाई हो और पुलिस चौकी पे भी हो, क्योंकि यहाँ पे अवैध रूप से तीन महिला, जिस दिन वो गिरफ्तार करने आई थी ना शर्मा मैडम, उस दिन तीन महिला अंदर थी और उसके कस्टमर उनके सामने बाहर निकल के गए, तो भी उसने उसको नहीं पकड़ा और वहाँ पे भी चौकी में जाके उसको कुछ नहीं बोला। हम लोगों को गालियाँ दे रही थी, सारी लेडीजों को गालियाँ दे रही थी और धमकियाँ दे रही थी और ना हमको वीडियो बनाने दी। जैसा कि जो सूचना प्राप्त हुई थी कि इनफन में देह व्यापार का अड्डा संचालित हो रहा है, इस संबंध में कुछ इनपुन के ग्रामीण लोग जाकर के पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह जी से मिले थे और उनको जाकर के बताया गया था। इसके बाद एसपी साहब के निर्देशन में एसडीओपी मुंडी और थाना प्रभारी मानधाता और अन्य स्टाफ के द्वारा जाकर के वहां पर घेराबंदी करके प्रयास किया और वहाँ पर एक महिला है जो अपने घर में किराएदार के नाम पर एक महिला को रख करके अवैध देह व्यापार करवा रही थी। वहां से संबंधित महिला और